मुराद सईद तमगा शुजात के हकदार बन गए। पीटीआई रहनुमा के मुकदमात खत्म, तहरीक इंसाफ का टाइगर बाहर आने को तैयार। एक जानब तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमा अदालतों के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानब कुछ पीटीआई के टाइगर्स सियासी मैदान में फिर से आने के लिए तैयारी किए बैठे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमा अदालतों की पेशियां भुगत रहे हैं, वहीं पीटीआई रहनुमाओं के हक में बड़े फैसले भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पीटीआई रहनुमा मुराद सईद का नाम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मुराद सईद के खिलाफ कायम मुकदमा फौरी खत्म करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद हुकूमती रुकन सुहेल आफरीदी ने पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि पीटीआई रहनुमा को अमन की बहाली के लिए खिदमात पर तमगा शुजात दिया जाए, क्योंकि मुराद सईद की वतन से बेलौस मोहब्बत को गद्दारी करार दिया गया है। हुकूमती अरकान की जानिब से यह भी मुतालबा किया गया कि मुराद सईद को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए और साबिक वफाकी वजीर को सिक्योरिटी फराहम की जाए।